हमको किडनैप नहीं किया, हम लोग अपने मन से शादी किए हैं भाग के। मेरे मम्मी पापा फंसा रहे हैं हमको, झूठ का इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। हम अपने मन से शादी किए हैं। बेलबड्डा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व यानी कि 7 सितंबर को बेलबड्डा थाना में मामला दर्ज हुआ था कि एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर एक लड़के द्वारा भगाया गया है। उसके बाद कुछ दिन पूर्व शादी कर सोशल मीडिया पर लड़के ने वीडियो भी पोस्ट किया। इसके एवज में प्रशासन कार्रवाई करते हुए आज दोनों को प्रशासन ने बरामद किया है। लड़की की मेडिकल जाँच करवाई गई तथा फिलहाल लड़का पुलिस के हिरासत में। कल दिनांक 20/9/2019 को उपायुक्त महोदया श्रीमती किरण पासी के निर्देशानुसार स्थानीय नगर भवन गुड्डा में जिला जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के ऑडिशन का आयोजन किया गया। इस ऑडिशन में कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया। ग्रुपों के माध्यम से जिले में चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। जिले से आए लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार जैसे सड़क सुरक्षा, आयुष्मान भारत, गोल्डन कार्ड, जनशक्ति अभियान, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि मानधन योजना, मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, कन्यादान योजना, शादी शगुन योजना, 108 निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से लोगों के मन को मोह लिया गया। हम अपनी अभिव्यक्ति नाटक के माध्यम से प्रकट की गई। मौके पर जिला संपर्क विभाग के कर्मी उपस्थित थे। कल यानी 22 सितंबर के दिन रविवार को गोड्डा के गांधी मैदान में सुबह 9 बजे नेटबॉल अंडर 19 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन जांच प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। जिन खिलाड़ियों का चयन होगा वो गोड्डा की टीम बनकर रांची में आयोजित चयन जांच प्रतियोगिता में भाग लेगी। रांची में आयोजित चयन जांच प्रतियोगिता में जिन खिलाड़ियों का चयन होगा वो अंडर 19 बालक एवं बालिका जूनियर टीम झारखंड टीम बनकर दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। उपायुक्त महोदया गोड्डा श्रीमती किरण पासी के निर्देशानुसार कल श्रम अधीक्षक गोड्डा श्री नरेंद्र कुमार के द्वारा प्रश्न आपका कार्यक्रम के तहत 11 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न तक आयोजित की गई। आपका प्रश्न कार्यक्रम के दौरान कुल 5 व्यक्तियों की शिकायत सुझाव से संबंधित प्रश्न का महोदय के द्वारा मोबाइल के जरिए निष्पादन कर लिया गया। महोदय ने श्रम विभाग से जुड़ी सभी जानकारियां प्रदान की। जिले की कोई भी जनता को श्रम विभाग से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वे कार्यालय से सीधे संपर्क कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट, श्रमिक औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, मेघावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, चिकित्सा सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, निःशक्तता पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन योजना, अनाथ पेंशन योजना इत्यादि के बारे में योजना की जानकारी श्रम अधीक्षक के द्वारा प्रदान की गई। If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're grumpy and you know it, then your face will surely show it. If you're grumpy and you know it, stomp your feet. If you're silly and you know it, honk your nose. If you're silly and you know it, honk your nose. 2019 को प्लस टू उच्च विद्यालय गोड्डा में जिला प्रशासन एवं अदानी फाउंडेशन के सहयोग से ज्ञानोदय कार्यक्रम से जुड़ने जा रहे 68 माध्यमिक स्कूलों के नोडल शिक्षकों के लिए ज्ञानोदय टीम के द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उपायुक्त महोदया गोड्डा के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले के प्रत्येक प्लस टू उच्च विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों में अदानी फाउंडेशन के माध्यम से पाठ्यक्रम का सॉफ्ट कंटेंट, टीवी, इन्वर्टर, बैटरी का एक संपूर्ण सेट पहुंचाया जा रहा है, जहां अब बच्चों को इंटरैक्टिव वीडियो के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा। विदित हो कि अदानी फाउंडेशन द्वारा संचालित ज्ञानोदय कार्यक्रम से पहले से 53 माध्यमिक स्कूलें चलाई जा रही हैं। इसमें अब 68 विद्यालयों के जुड़ जाने से अब स्मार्ट क्लास की संख्या पहुंचकर 100 उच्च विद्यालयों के अलावा 121 मध्य विद्यालयों में उपलब्ध हो जाएंगी।